A very important announcement again by IRCC today regarding post graduate work permits. PPP mode के colleges के अंदर कुछ और तब्दीलियां लेके आई है IRCC regarding their post graduate work permit. सारी बात क्या है आज इस वीडियो में डिटेल इस पर डिस्कशन करूंगा. स्वागत आप सबका हमारे MCAN इमिग्रेशन के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर. मेरा नाम प्रतिपाल सिंह गिल, मैं एक लाइसेंस और रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट हूँ. एक छोटी सी रिक्वेस्ट इस वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब इट. सो IRCC ने एक और अनाउंसमेंट अब की है पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट को लेके, खासतौर पे पीपीपी मोड के कॉलेजेस में. 22 जनवरी को उन्होंने अनाउंस किया था कि प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप वाले जो कॉलेजेस हैं उनमें पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट नहीं मिलेगा आफ्टर 1st of September 2024. मींस पीपीपी मोड के जितने कॉलेजेस हैं 1 सितंबर 2024 के बाद जो उनमें एडमिशन लेगा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, ही विल नॉट बी एलिजिबल फॉर ए पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट. बट अभी जो उन्होंने रिसेंट चेंजेस की हैं March 22 को जो अनाउंसमेंट की है दोबारा, उसमें ये टाइम जो है September 1st का वो उन्होंने 15 मई से पीछे ले आए हैं. मीन्स कहने का मतलब अब 15 मई इज द डेडलाइन. अगर आप 15 मई या 15 मई से बाद में आपका कोर्स स्टार्ट हो रहा है पीपीपी मोड के कॉलेजेस के अंदर, तो यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर ए पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट. जिस भी स्टूडेंट का प्रोग्राम 15 मई से पहले स्टार्ट हो रहा है एंड ही इज एनरोलिंग हिमसेल्फ इन ए पीपीपी मोड कॉलेज, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाले कॉलेज, तो ही विल बी एलिजिबल फॉर ए पोस्ट 3 ईयर फुल पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट अगर वो 2 साल का प्रोग्राम कर रहे हैं. अगर 15 मई या 15 मई के बाद वो अपना प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं तो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए वो एलिजिबल नहीं होंगे. सो वेरी बिग चेंज. प्लीज डू रिमेम्बर के ये जो चेंजेस हैं अभी रिसेंटली 22 मार्च को IRCC ने अनाउंस किए हैं. पहले ये September 1st थी ये डेट, कट ऑफ डेट, अब वो डेट कम करके 15 मई 2024 कर दी गई है. सबसे बड़ा रीजन इसके अंदर, बहुत सारे जो पीपीपी मोड के कॉलेजेस हैं दे वर रीस्केड्यूलिंग देयर, उनका जो सितंबर इंटेक था उसको कोई जून में स्टार्ट कर रहा था, कोई जुलाई में, बहुत से कॉलेजेस अगस्त में स्टार्ट कर रहे थे. सो उसको देखते हुए एंड दे हैव मेड दीज चेंजेस. हालांकि ये काफी बड़ी चेंजेस हैं और बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो इससे इम्पैक्ट होंगे, बट आपके पास काफी एम्पल टाइम है. जिस भी स्टूडेंट की क्लास एंड ऑफ अप्रैल स्टार्ट हो रही है या बिगिनिंग ऑफ मई स्टार्ट हो रही है उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है. 15 मई से पहले अगर आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है, इवन 14 मई को भी अगर आप स्टार्ट कर रहे हो अपना प्रोग्राम, स्टिल यू विल बी एलिजिबल फॉर ए पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट. बट अगर आपकी क्लास 15 मई या उसके बाद में शुरू हो रही है, देन यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर ए पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट. सो बहुत बड़ी अपडेट है. और भी बहुत सी अपडेट्स जो IRCC ने रिसेंटली अनाउंस की हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ वो भी डिस्कस करूंगा. किसी तरह का स्टडी वीजा, किसी तरह की एक्सटेंशन कनाडा के अंदर, आपने वर्क परमिट पे कनाडा जाना चाहते हो, स्पाउजल ओपन वर्क परमिट, या कोई PR की इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो, जरूर हमें कंसल्ट कर सकते हो. नंबर हमारे सामने डिस्प्ले हो रहे हैं.